नमस्कार, नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जानकारी देंगे जिसके बारे में काफ़ी कम लोग ही उसका नाम जानते हैं, लेकिन कई लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। कई बार आपने ये देखा होगा कि सर्जरी के बाद आपकी स्किन जो है वो उभरी हुई से नज़र आती है, आपके स्किन के कई पार्ट्स में जो है दाने से, वो भी ऐसे दाने जो फूले फूले से नज़र आ रहे हों वैसे दिखने शुरू हो जाते हैं। और कई बार ये भी होता है कि बिना सर्जरी के भी आपके शरीर में आपका जो लेवल है बॉडी का, जिस पार्ट में किलोइड नाम से हम उसे जानते हैं, वो दिखने शुरू हो जाते हैं। तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या और किन लोगों को होती है और कैसे इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। मेरे साथ अभी मौजूद हैं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर चंचल चौधरी जी। मैम, आपका बहुत स्वागत है नेशनल खबर पर। थैंक यू। सबसे पहले सवाल यही है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को पता भी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, केलॉइड जो मैंने नाम लिया, आखिर ये प्रॉब्लम है क्या और इसे आम भाषा में लोग क्या बोलकर आपके पास आते हैं ट्रीटमेंट लेने? देखिए, केलॉइड और हाइपरट्रॉफिक स्कार्स, नॉर्मली पेशेंट को पता होता है कि ये प्रॉब्लम केलॉइड है तो वो केलॉइड के नाम से ही आते हैं। कई बार पेशेंट को नहीं भी पता, जैसे आप बोल रहे जानकारी नहीं होती, तो वो ये बोलेंगे कि डॉक्टर मेरी स्किन वहाँ पर थिक हो गई है और या फिर मोटी हो गई है और इचिंग हो रही होती है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा इचिंग है, खुजली है और स्किन हार्ड हो गई है वहाँ पर। पेशेंट को जब हम देखते हैं, डायग्नोस करते हैं, तो वो हमें पता है कि वो किलॉइड हो गया है पेशेंट को। किलॉइड में मतलब एक सा स्कार टिश्यू, जो स्कार आपका होता है स्कार टिश्यू, वहाँ पर स्किन थिक हो गई है, फॉर्म हो गई है, ओके, हार्ड हो गई है। और सो पेशेंट जब हम एग्जामिन करते हैं, सो इट्स अ हार्ड स्किन टिश्यू ऑफ अ स्कार, ओके, इसको हम किलॉइड बोलते हैं, हाइपरट्रॉफिक स्कार्स बोलते हैं। अच्छा, तो ये होने का कारण क्या है, बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं? अगर आपको किलॉइड डेवलप हो रहा है, सो पहले बहुत कॉमन है कि जेनेटिक है, या तो आपको जेनेटिकली है, कई बार जेनेटिक नहीं भी होता है, कोई इन्फ्लेमेशन हो जाता है स्किन में। सो जैसे हमारे स्किन में, फॉर एग्जांपल, इन्फ्लेमेशन कैसे हुआ, बहुत कॉमन है एक्ने, पिंपल हो जाना। कई पेशेंट को एक्ने के बाद इन्फ्लेमेशन हुआ और इन्फ्लेमेशन के बाद पेशेंट को वहाँ पर छोटे छोटे किलॉइड्स डेवलप हो जाते हैं, मतलब वहाँ स्किन हार्ड हो जाती है, मोटी हो जाती है, थोड़ी फूली फूली हो जाती है, ओके। या फिर चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स का कभी कभी आपके स्कार में भी, किलॉइडल स्कार में भी मोटे मोटे बन जाते हैं। कोई आपने सर्जरी कराई तो उसके बाद सर्जरी, जहाँ पर आपका जो सर्जरी मार्क होता है वहाँ पर वो किलॉइड की तरह वहाँ पर उसी तरह की लाइन बन जाती है, थिक स्किन बन जाता है। बर्न इंजरी हो जाए या एक्सीडेंटल इंजरी हो जाए तो भी वहाँ पर वो स्कार जो है आपका कैसे हील होता है, एज अ थिक स्कार टिश्यू किलॉइड के फॉर्म में, नॉट अ नॉर्मल स्कार, एक लाइन नहीं बनती वहाँ पर, एक थिक स्किन बन जाती है, ओके, तो उसको हम किलॉइड या हाइपरट्रॉफिक स्कार्स बोलते हैं। सो बेसिकली आपका वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है, कोई स्कार या टिश्यू वहाँ पर चोट हम मानते हैं, उससे इन्फ्लेमेशन हुआ। इन्फ्लेमेशन कैसे हील हो रहा है कि वहाँ पर कोलेजन बहुत ज़्यादा बन रहा है, कि वहाँ पर स्किन इतनी मोटी क्यों हो रही है, वहाँ पर कोलेजन्स और फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है, वहाँ पर प्रॉपर एक्चुअली जो हमारा वुंड हीलिंग होता है उसमें देयर इज अ डिसरेगुलेशन, वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, ओके। और जो नॉर्मल स्कार हीलिंग होती है सेकेंडरी इंटेंशन से, वहाँ पर एक्सेसिव कोलेजन्स और एक्सेसिव फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी के कारण नॉर्मल स्कार की जगह आपको थिक स्कार एक बन जाता है, जिसको किलॉइड बोलते हैं। अच्छा, और अगर इसमें दो प्रकार के, किलॉइड और हाइपरट्रॉफिक स्कार। अच्छा, किलॉइड जो होता है जहाँ पर आपको मान लो स्कार बना है, अगर उससे आगे भी वो थिक स्किन बन रही है तो उस किलॉइड बोलते हैं। लेकिन हाइपरट्रॉफिक स्कार वहाँ तक ही रहता है जहाँ पर आपको वो चोट लगी है या स्कार बना हुआ है, उतना ही रहता है, तो उसको हाइपरट्रॉफिक स्कार बोलते हैं। अच्छा, पेशेंट का जो मेन कंप्लेंट होगा वो होगा थिक स्किन प्लस वो इचिंग, बहुत ज़्यादा इचिंग करता है। राइट, ये चीज़ तो मैंने भी महसूस की है कभी। दूसरा ये कि इससे निजात पाने का तरीका क्या है? देखिए, अगर आपको किलॉइड हाइपरट्रॉफिक स्कार है तो हम उसको एग्जामिन करते हैं, रीज़न पता करते हैं पेशेंट को। ईयर पियर्सिंग भी बहुत कॉमन है, ओके, और ईयर पियर्सिंग के बाद भी ईयर किलॉइड्स देखे जाते हैं, ओके। चेस्ट पे बहुत कॉमनली देखा जाता है, ओके, नेक एरिया में काफ़ी कॉमन, शोल्डर एरियाज में देखा जाता है, तो वहाँ पर हम या तो इंजेक्टेबल लगाते हैं पेशेंट्स को, कुछ इंजेक्शन्स आते हैं वो अगर लगाने से वो स्मूथ हो जाता है और वो आपका कम हो जाता है और इचिंग भी कम्प्लीटली चली जाती है।
गॉट इट। सेकेंड होता है सिलिकॉन जेल्स या सिलिकॉन शीट्स आते हैं जो पेशेंट को हम लगाने को देते हैं, वो होम केयर होता है और उसके रेगुलर लगाने से वो आपका स्कार टिश्यू जो है ठीक हो जाता है, कम हो जाता है। कई लेज़र्स भी होते हैं, पल्स टाइप लेज़र होता है या लॉन्ग पल्स एनडीआर लेज़र होता है, तो हम ये करने से आप ये लेज़र ट्रीटमेंट करने से भी आपका जो हाइपरट्रॉफिक स्कार्स है वो कम हो जाते हैं। कभी हम कॉम्बिनेशन कंबाइन करते हैं लाइक CO2 लेज़र प्लस इंट्रालिजनल इंजेक्शंस, सो कॉम्बिनेशन थेरेपी करने से प्लस और आपको जो हम होम केयर जेल्स देते हैं वो अगर आप रेगुलर लगाते हैं तो आपके स्कार टिश्यू कम हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि एक बार ठीक हो जाए तो दोबारा कहीं पे आ सकते हैं? अगर आपको किलोइडल टेंडेंसी है और आपको कोई भी इसका इन्फ्लेमेशन है या इंजरी है तो वहाँ पर आपको नया किलोइड बन सकता है, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अवॉइड करें ट्रॉमा। अगर आप कोई सर्जरी आपको तो आपको आपको डॉक्टर को गाइड करना है ताकि वो वूंड टेंशन थोड़ी कम रखें सर्जरी के तब, तो अगर जो अगर वूंड में टेंशन कम रहेगा तो किलोइड टेंडेंसी कम रहती है। अच्छा, चलिए। और इसका कोई ऐसा खास प्रिवेंशन वगैरह तो नहीं लेना है ट्रीटमेंट के बाद या ऐसा लेना होता है? तो आपको जो रेगुलर ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं उसको आपको फॉलो अगर आप करेंगे तो कुछ नंबर ऑफ सेटिंग में कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। हाँ, थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। किलॉइड्स जो एक प्रॉब्लम है जिसे ज़्यादातर लोग फेस करते हैं और अधिकतर लोगों को नहीं पता होता कि आखिर जो हम उनकी बॉडी जो फूली फूली नज़र आ रही है वो किलॉइड्स है और उसका कोई ट्रीटमेंट भी हो सकता है। अधिकतर लोग होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो और ज़्यादा विस्तार भी हो सकता है, लेकिन अगर आप होम रेमेडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे पहले एक डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें जैसे कि आपको पता चल सके कि आपके स्किन में जो भी प्रॉब्लम है क्या वो क्योरेबल है या नहीं है, या फिर होम रेमेडीज लगाने से वो कितना ज़्यादा वर्स हो सकता है। ऐसे ही और साक्षात्कार के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।